आज सर हम अपने उपस्थित है जो आज के विशेष करके निसर्ग जान का मुख्य अनुष्ठाता है और वे हम सब का देने के लिए हम उपस्थित हैं। तो मैं विषभ स्वामी जी को यहाँ स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ हमारे प्रोफेसर पर हरमन वो भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनके साथ हमारे काफी फारस और यहाँ जसपुर धर्म प्रांत में कार्यरत फादर यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबको यहाँ स्वागत करता हूँ। अभी मैं विषभ स्वामी से अनुरोध करता हूँ कि वे आगे की पूजन विधि को शुरू करें। पिता और पुत्र पुत्रात्मा के नाम पर प्रभु की शांति आपके साथ हो। समस्त विद्या का प्रभु ईश्वर अपना अधिक का ज्ञान देने के लिए हमें विभिन्न रीति से ले चलता है। वह ज्ञान से हमारे शरीर धारी अपने पुत्र में एक प्रकार से पूर्ण बना दिया गया है, परंतु जिस विद्या ज्ञान तथा सिद्धांत करने गहराई से छानबीन करने में मनुष्यों का मन रम जाता है, उसका लक्ष्य होना चाहिए सत्य को पाना तथा ईश्वर की आराधना करना। इसलिए हम सत्य की खोज करने, उसे सीखने और फैलाने के निर्देश इस विद्यापीठ पर आदि ईश्वर की आशीष मांगे कि जो कोई बालकों तथा बालिकाओं को यहाँ शिक्षित करने के ग्रहण करेंगे वे उन्हें मानव ज्ञान को सुसमाचार के सबसे समन्वित करना सिखाएं, जिससे वे सत्य विश्वास को स्वयं मन में सुरक्षित रखें और आचरण तथा जीवन में उसे प्रकट कर सकें। हम प्रार्थना में यह भी मांगे कि शिष्य और अपने शिक्षकों में गुरुवर ख्रीस्त को उपस्थित पाएं, जिससे मानवीय अथवा दिव्य ज्ञान तथा शिक्षा से नित अधिक संपन्न होकर भाई बहनों को आलोकित करने तथा सहायता देने के योग बने तथा इसके लिए तत्पर रहे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मती के अनुसार बहुत सुसमाचार। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और यीशु क्या कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक की का